नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, किंतु कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी खास प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। कैरियर में यदि आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से के छोटे छोटे प्रयोग, उनसे हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके कैरियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन अवश्य दबाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास रहेंगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगी।
क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। यदि हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नेगेटिव विचार आते रहे, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। यदि कैरियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नेगेटिव ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मैन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर यदि आप हल्दी की ये रेखा बना दे, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दे, फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दे, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होगा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप अवश्य करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, किंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लॉट्स में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा यदि लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में को एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल, एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय, आपको यह अवश्य करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है, कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के आपको हल्दी से श्री लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पंचोप्रचार पूजा करें। प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोप्रचार से उस कागज की पूजा करें, उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख लें, ऐसा आप यदि हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा,
इसे एक छोटे से प्रयोग से माता की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का श्रम बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की दो लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर दो घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है यह और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोग उनको अवश्य करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।